गुलबर्गा के जेस्कॉम ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जानते हैं ऑन ऑफ द सडन जो करंट का बिल ज्यादा आए हैं, इसके ज्यादा आने की वजह से पूरे कर्नाटक के सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली शॉक में हैं। इतना ज्यादा ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल बिल बेयर करने की बात चल रहा है। तो हम यहाँ पर यही मांग कर रहे हैं कि ये जो अनडेमोक्रेटिक और अनसिस्टमेटिक बिल का ज्यादा किए का जो प्रोसीजर है उसको तुरंत वापस लेना, पीपल फ्रेंडली बिल जो है मिनिमम बिल वो अप्लाई करना बोल के हम मांग रखे हैं। जो विद्युत दर ऐरिके वापस आ गली। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 hours medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi. आज Socialist Unity Center of India SUC Communist Party के गुलबर्गा District Committee की ओर से गुलबर्गा के जेस्कॉम ऑफिस के सामने एक प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ जानते हैं ऑन ऑफ द सडन जो करंट का बिल ज्यादा आए हैं, इसके ज्यादा आने की वजह से पूरे कर्नाटक के सभी लोग मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली शॉक में हैं। इतना ज्यादा ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल बिल बेयर करने की बात चल रहा है। तो इसकी इस बात के ऊपर कर्नाटक गवर्नमेंट भी कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रही। हम यहाँ पर यही मांग कर रहे हैं कि ये जो अनडेमोक्रेटिक और अनसिस्टमेटिक बिल का ज्यादा किए का जो प्रोसीजर है उसको तुरंत वापस लेना, पीपल फ्रेंडली बिल जो है मिनिमम बिल वो अप्लाई करना बोल के हम मांग रखे हैं। जो ये जो गवर्नमेंट इस महंगाई को वापस नहीं लेगी तो आगे आने वाले दिन में बहुत बड़े प्रमाण में स्टेट वाइड, कर्नाटका स्टेट वाइड लोग और कंज्यूमर लोग और जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लोग, सभी तरह के जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करने वाले लोग रोड पे आके सरकार के खिलाफ आंदोलन करने, वो लोग बोलेंगे कि जो कोल है, कोल महंगा होने की वजह से करंट बिल हम ज़्यादा कर रहे हैं। तो पर यूनिट हम लोग 70 पैसा अप्लाई कर रहे हैं, जो ये महंगाई का रेट है जो सभी कंज्यूमर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दाम ज़्यादा करे बोल के ऐसा बोल रहे हैं। मगर इतना काफ़ी नहीं होगा, जो महंगाई होने के बाद लोगों का हालत क्या होगा, तो गवर्नमेंट भी इसमें इंटरफेयर होना है। और जो कोल के कारण से विद्युत का जो महंगा हुआ बोल के बोल रहे हैं वो अनसाइंटिफिक है, जबकि आज के दिन में इलेक्ट्रिसिटी फ्री में गवर्नमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल बोर्ड भी कम से कम दाम में लोगों को ये इलेक्ट्रिकल सप्लाई करके उनको सर्विस देना है, मदद करना है। तो ऐसा किया तो पीपल फ्रेंडली होते, नहीं तो क्या है एंटी पीपल बन जाते हैं। तो फाइनली क्या है, ये जो बोर्ड को हम लोग अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग देना बोल के हम लोग दबाव डाल सकते हैं आने वाले दिन। एक्चुअली क्या है, मई महीने में एक बोर्ड का मीटिंग चलता है, तो वहाँ पर ये जो महंगाई का दाम बढ़ाव करने का डिसीजन लिया है ये बोर्ड, स्टेट बोर्ड। तो ये मई जून और जुलाई जो 2 और 3 महीने का जो बिल है, जो इलेक्शन की वजह से वो लोग होल्ड करके रखे थे। तो अब क्या है, ऑन ऑफ द सडन 2 महीने के बिल उसके साथ जो महंगा दाम और 7 रुपये का जो स्लैब है वो लगाया है। इसलिए क्या है, हर कंज्यूमर को तीन गुना ज़्यादा बिल भरना पड़ रहा है। तो हम यहाँ पर पूछ रहे हैं कि जो पहले जो बिल आता था ना, जो दाम ज़्यादा करने लगे तो आप लोग नोटिस करना था लोगों को, ऐसे इतना दाम हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोगों का निगरानी में आता था, तो लोग ऑब्जेक्शन करते थे, कुछ सवाल पूछते थे, ये सही है या गलत है, डिबेट होता था। तो ये कुछ भी नहीं हुआ, ऑन ऑफ द सडन 7 रुपीज़ आप ज़्यादा करें, तो ये तो शॉक हुआ लोगों, कॉमन पीपल के ऊपर। तो ऐसा नहीं करना था एक्चुअली। और 2 महीना क्यों आप लोग होल्ड रखे, इलेक्शन की वजह से रखे, मतलब यहाँ पर पॉलिटिकल इंटरेस्ट भी है, तो कौन सा पार्टी आता है, कौन सा गवर्नमेंट आता है, इसको देखकर आप महंगा करना है या सस्ता करना है ऐसा आप सोचने लग रहे हैं। तो ये भी एंटी पीपल स्टैंड है, क्यों ऐसा करें आप। हर महीना जब जैसे बिल आता था वैसे ही बिल आए तो लोग भरते थे, जितना आता था उतना भरते थे। अब इतना 2 महीना तुम होल्ड करें और दाम ज़्यादा करें, फिर अब वो नया स्लैब के साथ तीन गुना ज़्यादा दाम के ऊपर बिल दिए तो कितना बर्डन होता। और आप जानते हैं कि हमारे कर्नाटक में ज़्यादातर लोग जो घर के खाने वाले हैं, मेहनत करने वाले हैं, हर महीना का जो भी अपना हिसाब किताब है हर महीना चुकता कर लेते हैं। अब 3 महीने के बाद इतना ज़्यादा बिल आया, तो कर्नाटक गुलबर्गा में एक पेपर में आया था, घर का किराया 6,000 रुपये है, तो करंट का बिल 6,800 रुपये आया।
तो ये 6,800 के लिए कहाँ पर जाके काम करना लोग? तो ये वेरी जेन्युइन क्वेश्चन है, लोगों का तकलीफ और मजबूर भी सरकार समझ लेना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ। एक्चुअली जिसका हम ये वो लोग कहते हैं कि स्टेट बोर्ड का एक डिसीजन है, वो लोग लागू करने के बगैर उनका दूसरा ये नहीं है, उनको उनको उतना ही पावर है, जो स्टेट से आता है वही इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो लोगों का ये जो आवाज़ है, लोगों का जो डिमांड है, ये स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट बोर्ड को पहुंचा सकते हैं, उतना ही उनके हाथ में पावर है, वो लोग कुछ एक्शन नहीं ले सकते। तो हम चाहते हैं कि स्टेट कर्नाटक स्टेट के जो जनता है, जनता का जो हड़ताल है, प्रोटेस्ट है, आज हर दिन आ रहा है। एक तरफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दाल मिल के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सभी इंडस्ट्रियाँ जो है और कमर्शियल जो यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स हैं और ये जो आवाम है वो लोग है, सभी लोगों का एक ही मांग है, एक ही आवाज़ है, ये जो महंगा हुआ है दाम उसको कम करना, महंगा करके लोगों के ऊपर और एक दबाव डाले हैं सरकार। एक तरफ गवर्नमेंट बोलती है फ्री बोल के, दूसरी तरफ क्या है अल्टरनेटिव, ऐसे जो ज़बरदस्ती लोगों को लूटने की कोशिश चल रहा है, इसको हमारे पार्टी से विरोध करते हैं। This video presented by Shri Basveshwar Medical and General Store, providing the highest quality and 100% genuine medicines. 24/7 hours medical is open and free home delivery also available. Medicines at your doorstep. Opposite Basveshwar Hospital, Sedham Road, Kalburgi.